ओके, बात है 2019 की। मेरी 12th उस साल पूरी हो गई तब मेरे हाथ में पहली बार फ़ोन आया जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। फ़ोन का नाम था रेडमी गो, जो 1 GB रैम में था। उस टाइम में मैं उस फ़ोन से कभी कभी फ़ोटो क्लिक करता था। मैंने उस फ़ोन को 2 साल यूज किया। उसके बाद लिया मैंने ये फ़ोन, रियलमी नार्जो 20। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, बस मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बता ही देता हूँ। वैसे आपको एक और बात बता दूँ, जब मैंने फ़ोन लिया था तब यह मुझे 11500 का मिला था। कीमत के हिसाब से तो भाई कैमरा बहुत बढ़िया लगा। शुरुआत में मैंने जब कैमरा यूज किया, मुझे इसका कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि फ़ोन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, इसलिए मैं इस फ़ोन को लौटाने वाला था, लेकिन मुझे इसकी एक खूबी ने रोक लिया और वो है इसका पोर्ट्रेट मोड। भाई साहब, जब मैंने इसका पोर्ट्रेट यूज किया तो क्या बताऊं, रिजल्ट आपके सामने है। फोन के कैमरे का सेंसर लाइट को बहुत अच्छी तरह कैप्चर करता है, जो फोटो में 4 चांद लगाती है। वैसे एक बात तो बताना भूल गया, मेरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, बट एक बात आप मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे एक बात बताऊँ, एनीथिंग ने एक वीडियो बनाई है, DSLR लाइक यूट्यूब सेटअप इन मोबाइल, जिसमें उन्होंने अपनी वीडियो DSLR से शूट करने की बजाय इसी फ़ोन से शूट की है और बताया है कि आपके पास अच्छी वीडियोज़ के लिए DSLR ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इस वाली वीडियो में तो इस फोन से पूरी सिनेमैटिक वीडियो बनाई है। सो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुंची है, इसलिए हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन।